नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बार बार सवाल आ रहे हैं, इसलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं जो कि है बेस्ट पोस्ट वर्कआउट फूड का। ये पोस्ट वर्कआउट में आपको क्या लेना है, ये समझने के लिए आपको पहले दो बातें समझनी होगी कि वर्कआउट के दौरान, वर्कआउट में, ड्यूरिंग वर्कआउट, आपकी मसल्स के अंदर, जो भी बॉडी में मसल्स आपकी एक्सरसाइज कर रही हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ओवरऑल आपकी ब्लड शुगर कम होती है, बिकॉज यू आर यूजिंग योर शुगर, तो शुगर यूज होगी, ब्लड शुगर कम होगी, पानी इस्तेमाल होगा, वर्कआउट हो रहा है, मसल के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है। तो मसल, उस पर्टिकुलर मसल के अंदर, टोटल ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर आपकी हार्ट बीट सब कुछ बढ़ती है, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। आपकी बॉडी इस्तेमाल करती है नंबर वन ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज उसके पास जितने हैं, एंड देन देयर आफ्टर इट यूजेस फैट्स। क्रिएटिन यूज होता है आपके जितने स्टोर्स हैं एटीपी रिसाइकल करने के लिए, एंड देन फैट्स आर यूज्ड। फैट यूज होता है तभी लैक्टिक एसिड बनता है, तभी वो जमा होता है, तभी वो दर्द होता है, पेन होता है, जब मसल एक जो होता है करते करते और दर्द हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड डिपोजिशन। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो ये सब हो गया। अब आपके शरीर में आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, 20 मिनट से लेके 45 एक घंटे तक एक्सरसाइज करने के बाद आपके शरीर में क्या कम हो गया? नंबर वन इज वाटर, पानी की हो गई कमी, बिकॉज आप डिहाइड्रेट कम, अगर आप रेगुलरली इन एवरी सेट, हर सेट के बाद सिप सिप करके पानी पी रहे हो तब तो नहीं होगा, लेकिन नहीं तो होगा, राइट? सो आपको सबसे पहले चाहिए पानी, बिकॉज हो क्या रहा है आपकी बॉडी में इस वक्त, आपकी मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म फास्ट है। इस वक्त मसल्स जो है फटाफट फटाफट फैट्स तोड़ के एनर्जी बना रही है, बिकॉज आप काम कर रहे हो उससे, राइट? और जैसे ही आपने एक्सरसाइज रोकी, उस रेस्टिंग फेज में भी, उस समय आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है कुछ समय तक, कभी आधा घंटे के लिए, कभी एक घंटे के लिए, वो 15 मिनट के लिए, उस समय मसल के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है, वहां फिर भी काम हो रहा है, वहीं पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और उस समय बॉडी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी स्टोर्स रखना, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ब्लड शुगर जो है, बिकॉज आपको पता है, बॉडी को भी पता है कि आपने एकदम जिम के अंदर ही सोने ही जाना है, अब बाहर जाओगे, आपने चलना है, आपने दौड़ना पड़ सकता है, तो बॉडी ट्राइज टू स्टोर सम ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज 120 मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो एक्सरसाइज के दौरान जैसे ही आपका ब्लड शुगर मान लो कम हो गया, वो ब्लड शुगर बनाना शुरू करेगी, वो कैसे बनाएगी? इट डज नॉट हैव एनी मोर ग्लाइकोजन, आपका लिवर, आपकी मसल, आपकी बॉडी शुगर सब इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी इस्तेमाल कर रही है फैट्स, फैट्स मोर, प्रोटीन लेस, बट प्रोटीन इज ऑल्सो गेटिंग इस्तेमाल, प्रोटीन तो ठीक है लेकिन फैट इस्तेमाल हो रहा है मेजरली, उस समय फैट इस्तेमाल हो रहा है, और वो केमिकल रिएक्शन को चाहिए पानी, ऑल यू नीड इज वॉटर। सो पहला चीज जो आपको चाहिए हाइड्रेशन, राइट? वॉटर, जब आप पानी देते हो वो आधा घंटा 15 मिनट जो वो मसल आगे, जो बॉडी आगे ग्लूकोज बना रही है आपके शरीर के अंदर, वो बनेगा, सो दैट आपके अंदर का खुद का जो फैट है दैट इज गेटिंग यूज्ड अप। सो जो हम थिन स्किन, कम फैट, कम लेस वाली बॉडी चाह रहे हैं वो ऐसे बनेगी, बिकॉज सबसे पहला टारगेट है ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल करना, सेकेंड टारगेट होगा कि लिवर में और मसल के अंदर ग्लाइकोजन वापस भरना। तो सेकेंड टारगेट के लिए फिर हमें खाना होगा ग्लूकोज, वो खाना होगा पहले आधे घंटे के बाद, कुछ वक्त के बाद, चाहे आधा घंटा ले लो चाहे एक घंटा ले लो, उस एक घंटे में पहले हमें चाहिए पानी, फिर एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद हमें चाहिए समथिंग इन अ कार्बोहाइड्रेट, इमिजिएटली तो नहीं खाना लेकिन आधे घंटे के बाद, बिकॉज इमिजिएटली खाओगे तो ब्लड फ्लो थोड़ा सा मिसडायरेक्ट हो जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, इसलिए इमिजिएटली नहीं खाना, आधे घंटे एक घंटे के बाद आप थोड़े से कार्ब्स खा सकते हो, उसमें जरूरी नहीं है सिंपल कार्ब्स खाना, ग्लूकोस ही खाना, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खा सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी एब्जॉर्ब होते हैं तुरंत, लेकिन धीरे धीरे, पूरा एक साथ नहीं होता, कुछ पार्ट तुरंत कुछ टाइम लगता है। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी खा सकते हो, सिंपल कार्ब्स भी खा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ योर गोल। बहुत ज्यादा फैट लॉस करना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए, राइट? और बहुत ज्यादा अगर बल्किंग करनी है सिंपल कार्ब्स भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब से बल्किंग नहीं होगी, राइट?
राइट, मसल लीन मसल के लिए फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब इज बेस्ट हाफ एन आवर के बाद। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में साथ में देखिए प्रोटीन कब खाना है। अब आपके पास चॉइस है, अब आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो जो कि जल्दी एब्जॉर्ब होता है, एंड यू डोंट वांट कि उस समय जब आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स नहीं भरे हैं, आपके ग्लाइकोजन ना लिवर में है ना मसल में है, उस समय आपकी बॉडी में बिफोर ग्लूकोज प्रोटीन जाए, राइट, वो नहीं चाहिए आपको, बिकॉज प्रोटीन इन दैट वे इजी अमाइनो एसिड माइट बी यूज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बनने के लिए, राइट, सो वो आपको नहीं चाहिए। सो पहले ग्लूकोज चाहिए फिर प्रोटीन चाहिए, सो दैट इज द रिक्वायरमेंट है। तो पहले आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो इमिजिएटली पोस्ट वर्कआउट, इसीलिए पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज उसमें से फिर कुछ मात्रा आपकी ग्लूकोज बनने में जाएगी, सारा का सारा वेस्ट नहीं होता, पर वेस्ट तो होगा, वेस्ट कह लो, सब ऑप्टिमल यूसेज कह लो, नॉट द बेस्ट यूज कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। फिर क्या करना है, प्रोटीन आप खा सकते हो प्रॉपर डाइट में, खा सकते हो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, आप चिकन मटन एग्स राइट, दाल, आप सोयाबीन, आप पीनट बटर, आप पीनट्स, वट एवर प्रोटीन, मिल्क, आप इनमें से कोई भी प्रोटीन का सोर्स ले सकते हो, वो खाइए विथ थोड़ा सा, या तो कार्बोहाइड्रेट के साथ खा लो या कार्बोहाइड्रेट के बाद खा लो, राइट। अल्टीमेटली यू कैन एक्चुअली टेक अ मील आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर ऑफ वर्कआउट आप खाना खा सकते हो जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो, कार्ब्स हो, दैट वे, बट वो भी बहुत अच्छा आइडिया है। बट रिमेंबर, अगर उस समय या एक साथ आपने बहुत ज्यादा इजीली एब्जॉर्बेबल प्रोटीन लिया, तो प्रोटीन पहले जाके ग्लाइकोजन स्टोरेज भरने में काम करेगा, इंपॉर्टेंट उसका जो प्रोटीन का जो वो यूसेज है, वो जो लोगों की सोच है कि उस समय हमारी प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होगी मसल की, ऐसा नहीं होता। मसल की प्रोटीन ऑब्वियसली एक्सरसाइज के दौरान ही ब्रेक डाउन होती है, ऑब्वियसली वो जितनी मसल की प्रोटीन टेयर होती है उतनी बिल्ड होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अगर नहीं समझ आ रहा तो कौन मेरे मेन चैनल पे कैसे बनेगी बॉडी के पूरे सीरीज देख लो, 8-10 वीडियोज हैं उसमें, आपको समझ जाएगा क्यों, और रिसर्च लिंक सबूत प्रूफ सारा दिया है उसमें नीचे कुछ वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में। सो आपने खाया पोस्ट वर्कआउट प्रॉपर मील, हाई प्रोटीन मील, या फिर अगर हाई प्रोटीन मील नहीं है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ आपका, या सिंपल कार्ब्स के साथ आपका प्रोटीन शेक आफ्टर 1 आवर, बात समझे आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ट्राई नॉट टू इंक्लूड कॉन्सेंट्रेट वे, कॉन्सेंट्रेट वे आइसोलेट लो वे, हाइड्रोलाइज भी जरूरत नहीं, हाइड्रोलाइज्ड वे जो है इट इज सो हाइड्रोलाइज, उसको इतना आइसोलेट करने की कोशिश करें, इतना प्रोटीन निकालने की कोशिश करें कि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा खत्म हो गए, कम हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं बचता उसमें न्यूट्रिएंट्स। सो बहुत ज्यादा प्रोटीन उतना नहीं चाहिए, राइट, एनीथिंग अबव 75% प्रोटीन इज फाइन, ओके, सो 75 आइसोलेट वे प्रोटीन इज गुड इनफ, तो वो ले दो, वो का आप शेक ले सकते हो एक टाइम पे 25-30 ग्राम, बस बहुत हो गया, एक टाइम पे उतना लो, डिवाइडेड डोसेजेस में लोगे कम लेने में ज्यादा लगेगा, और कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो लोग दो दो चार चार स्कूप ले रहे हैं उनका फायदा नहीं होगा, फायदा होगा, पर वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं अल्टीमेटली। सो आपको ये समझना है कम में बम, ऐसे ही होता है कम में बम, आई मीन ये हमारे बोलते हैं, सो दैट्स द आइडिया, कम खर्चे में ज्यादा इफेक्ट तभी आएगा जब उसको सही से इस्तेमाल करोगे, 25 से 30, 30 ज्यादा 35, ज्यादा ज्यादा 35 से 40 आप इस्तेमाल करो, चाहे 4 घंटे के बाद फिर प्रोटीन का डोज ले लो, खाने में खा लो, बात समझे, एवरी 4 आवर ले लो, एवरी 6 आवर ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू, सो दैट इज द पोस्ट वर्कआउट बेस्ट मील, राइट। तो इसके अलावा वो जो उल्टी सीधे सप्लीमेंट्स हैं, राइट, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के, सी 19-20 का फर्क वो कर सकते हैं, यू हैव टू रिमेंबर वन बिग थिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड आर्टिफिशियल या स्टीरॉयड इंड्यूस्ड या सप्लीमेंट इंड्यूस्ड बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही फर्क है, ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन का फर्क है, क्योंकि वो ड्यूरेशन कम में बनती है लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ये नेचुरल थोड़ा ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, डेडिकेशन ज्यादा लगता है लेकिन साइड इफेक्ट नहीं है, जो ज्यादा धीरे धीरे बनता है वो टिकता भी ज्यादा है। सो रिमेंबर दिस, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग विल गिव यू एवरीथिंग जो आपको चाहिए, साइज चाहिए, पावर चाहिए, गेन चाहिए, एवरीथिंग मिलेगा, बट देन यू नीड टू नो क्यों, कैसे, कहाँ, राइट। एज फार एज अदर इंग्रेडिएंट्स, पोस्ट वर्कआउट जो सप्लीमेंट्स आते हैं, जो उल्टे सीधे एंजाइम्स आते हैं, ये आते हैं, वो दे आर नॉट नीडेड, दे डोंट गिव यू मच एज, राइट, जस्ट 19 का 20 कर देने से कोई बहुत हैवी फर्क नहीं पड़ता, राइट, इफ यू डोंट टेक देम, पैसे नहीं है, डोंट वरी, डोंट वरी,
इतना कुछ खर्चे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हाई प्रोटीन डाइट लो। आई विल गिव अ वीडियो ऑन हाई प्रोटीन डाइट, व्हाट यू कैन ईट, व्हाट यू कैन नॉट, एंड व्हाट यू शुड ईट वेरी सून। सो मेक श्योर टू फॉलो दिस चैनल। आई एम डॉक्टर परमजीत एंड दिस इज माई चैनल। दिस इज द सीरीज कैसे बनेगी बॉडी, राइट, साइंस ऑफ सप्लीमेंट्स। दोनों सीरीज फॉलो करिए, शेयर करिए और अपने विचार हमें जरूर लिख के बताइए। अगर आप ये सब चीजों से सहमत नहीं है तो भी लिख के बताइए और अपना प्रूफ बताइए। डोंट गिव मी कि वो बोलता है ये बोलता है, गिव मी प्रूफ, राइट, रिसर्च प्रूफ, एंड देन आई विल टेल यू व्हाई यू आर रॉन्ग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।